नमस्कार मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेशनल क्रीड़ा में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए शॉर्ट हैंड डिक्टेशन उच्च गति अभ्यास 2 प्रतिलेखन संख्या 49 का डिक्टेशन 85 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से लाया हूँ। डिक्टेशन स्टार्ट होने में शेष हैं 20 सेकंड। स्टार्ट। महोदय, बहुत पहले से ही महिलाओं को अपने अधीन रखकर पुरुष प्रधान भारतीय समाज ने उनके विकास के द्वार बंद कर रखे हैं। प्राचीन भारत में सामाजिक और राजनैतिक बदलाव के साथ साथ महिलाओं की स्थिति में भी बदलाव आता रहा है। कभी तो यह माना गया कि जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता रहते हैं, तो कभी उसे ताड़ना का पात्र बताया गया। इतिहास के एक बड़े कालखंड में उसे चार दीवारी और पर्दे के अंदर रखा गया। इसके बावजूद जब भी नारी को पर्दे से बाहर आकर दुनिया को देखने व समझने का अवसर दिया गया, उसने अपनी क्षमता, योग्यता और प्रतिभा का भरपूर प्रदर्शन किया। भारत को स्वतंत्र हुए 5 दशक पूरे होने जा रहे हैं। स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद महिलाओं के विकास के लिए संविधान में अनेक प्रावधान किए गए हैं, परंतु मात्र नियम कानून बना देने से किसी व्यक्ति या वर्ग में परिवर्तन नहीं आते। इसके लिए व्यवहार और अमल की भी आवश्यकता है, किंतु भारतीय महिलाओं के लिए इसका प्रयोग नहीं किया गया। यूं तो प्रथम योजना काल से ही महिला विकास के छिटपुट प्रयास आरंभ हो गए थे, परंतु हकीकत में सर्वप्रथम छठी योजना के दस्तावेज में महिलाओं के सामाजिक व आर्थिक विकास का अभ्यास जोड़ा गया। इसके बाद से महिला विकास की योजनाएं निरंतर क्रियाशील रही। फिर भी भारतीय महिलाओं की स्थिति में अपेक्षित परिवर्तन नहीं लाया जा सका है। जब भारतीय महिलाओं की तुलना दूसरे देशों की महिलाओं से की जाती है तो हमें बड़े दिलचस्प तथ्यों से साक्षात्कार करना पड़ता है, और हम तभी जान पाते हैं कि भारतीय महिलाओं की वास्तविक स्थिति क्या है, यानी बेहद चिंताजनक और दुरूह। क्योंकि एक अध्ययन से ज्ञात हुआ कि दुनिया के 130 देशों में भारतीय महिलाएं 99 स्थान पर हैं। शायद इसका कारण है भारतीय महिलाओं के विकास के मार्ग में अनेक बाधाएं, जैसे शिक्षा के अवसर उपलब्ध ना होना। इससे उसका स्वाभिमान, उसकी चिंतन शक्ति और उसकी जिजीविषा का विकास अवरुद्ध हो गया। इसका प्रमाण है स्वतंत्रता के बाद 48 वर्षों तक कभी शिक्षा में महिलाओं को पुरुषों के बराबर ना ला पाना, जबकि दूसरे देशों ने महिलाओं को शिक्षित बनाने
में अधिक जोर दिया। हाल ही में नई दिल्ली स्थित भारतीय विश्वविद्यालय संगठन द्वारा प्रकाशित आंकड़े बताते हैं कि हमारे देश की 15 वर्ष से अधिक आयु वाली 34% महिलाएं ही शिक्षा प्राप्त कर सकी हैं, जबकि इसराइल, स्पेन, इटली व हंगरी की 89 से 94%, श्रीलंका की 85%, चीन की 68%, ईरान की 52% तथा पाकिस्तान की 14% महिलाएं शिक्षित हैं। शिक्षा के इस अधोपतन के अतिरिक्त अल्प आयु में महिलाओं का विवाह भी उनके विकास में एक बड़ी बाधा रही है। वैसे तो भारत में बाल विवाह बहुत पहले से ही प्रचलित रहा है, परंतु अब कानून द्वारा बाल विवाह पर रोक लगा दी गई है। महोदय, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में 12 से 14 वर्ष की आयु में अबोध बच्चों का विवाह संपन्न होना एक सामान्य सी स्टॉप।